दिल्ली एनसीआर में लोग भयंकर गर्मी से परेशान हैं, वहीं मुंबई में आज सुबह से ही कई इलाकों में बारिश तेजी के साथ हो रही है। इससे सड़कों पर पानी भर गया है, साथ ही कई इलाकों में रुक रुक कर बारिश हो रही है। मुंबई में अंधेरी, बांद्रा, सांता क्रूज, दादर, हिंदमाता में सुबह से ही बारिश हो रही है। आपको बता दें कि मौसम विभाग ने 23 और 24 जून को मुंबई में जोरदार बारिश होने की संभावना जताई थी। मौसम विभाग के मुताबिक बंगाल की खाड़ी के ऊपर कम दबाव का क्षेत्र बनने से तेज बारिश की संभावना बनी है। और मुंबई से हमारे सहयोगी विनय तिवारी की यह रिपोर्ट देखिए। मुंबई में आज सुबह से बरसात हो रही है। जिस तरह से मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया था दो दिन का कि दो दिन लगातार बरसात हो सकती है, उसको देखते हुए मुंबई में आज सुबह से कई इलाकों में बरसात हो रही है। इस वक्त हम मुंबई के दादर हिंदमाता इलाके में मौजूद है, तस्वीरें साफ तौर पर देख सकते हैं कि बरसात हो रही है। एक अच्छी बात है कि अभी तक किसी भी जगह पे जल भराव की समस्या देखने को नहीं मिली है और ट्रैफिक की समस्या देखने को नहीं मिली है, लेकिन अगर इसी तरह बरसात होती रही तो आने वाले समय में मुंबई करों को काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। आपको बता दें कि बात करें तो ईस्टर्न सबब में भारी बरसात हो रही है, वेस्टर्न सबब में भारी बरसात हो रही है, लेकिन ये वो इलाका है जहाँ पर हर बरसात में पानी जमा हो जाता है, जल भरा हो जाता है, जिसके कारण लोगों को काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है कर सकता है। लेकिन आज की जो बरसात है, सुबह से जो बरसात हो रही है, उसको देखते हुए अब तक किसी भी तरह का जल भराव नहीं हुआ है। विनय तिवारी, जी मीडिया, मुंबई।